भाई गुरशरण सिंह जी लुधियाना वालियां दी रस भिन्नी आवाज विच हर वेले कथा कीर्तन अते सिमरन दा आनंद मानन लई भाई गुरशरण सिंह जी ऑफिशियल चैनल YouTube नू सब्सक्राइब करो अते नवे कीर्तन वीडियोस लई बेल आइकन नू जरूर दबाओ अते ऑल नू सिलेक्ट करो। इस नाल हर नवे वीडियो दा नोटिफिकेशन आप जी दे मोबाइल ते आएगा, फिर तुसी उस दा आनंद मान सकदे हो। 1913-14 दे विच सरगोदे का इलाका सत्संगत हुण पाकिस्तान दे विच सरगोदा भाई साहब भाई हीरा सिंह जी उन्हां दा कीर्तन सी जी, उत्थे कुछ दिनां दे दीवान सन। बड़ी कमाई सी भाई साहब भाई हीरा सिंह जी दी, बड़ी कमाई सी। पहले संत बाबा अतर सिंह जी का इन्होंने साथ किया, बाबा अतर सिंह जी दे जत्थे च रहे, बड़ा सुरीला कीर्तन करते सन। बाबा अतर सिंह जी बहुत प्यार करते सन, बहुत प्यार। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी दे नाल बड़ा प्यार रहा, बड़ा प्यार। भाई वीर सिंह जी बड़ा इन्हों सत्संग निखारते सन, निखारते। इन्हों के पिता जी ने फिर बाबा अतर सिंह जी तो माफ़ी मांग ली सी कि महाराज हुण बच्चे नूं गृहस्थी च पाना जे आप जी छुट्टियां दे दिओ, और खुशियां दे नाल छुट्टियां, कहंदे जी छुट्टियां करो विआह इहदा, बहुत अगे जाएगा। सतगुरां दी बड़ी बख्शिश है इहदे, बड़ी बख्शिश। ये बाबा अतर सिंह जी ने बड़ा प्यार दिता सी इहदा, और सत्संग जदों दीवान करदे सन कोई वैराग दा प्रसंग इन्हां ने ला देना ते सत्संगत जी कोई कोई मतलब अखां ऐसियां होणगीआं जिहड़ियां ना मन्ना होण, सारियां तरबक तरबक करदियां सन समेत इन्हां दे। आखो सतनाम वाहिगुरू। आप भी बाजे ते बह के तरबक तरबक करदे सन ते संगतां भी तरबक तरबक करदियां सन, रोंदियां, मतलब सीन क्रिएट कर दिया। बड़ा मतलब इन्हां दा रुतबा सी, संगत बहुत मनदी सी और बड़ा इकट्ठ हुंदा सी। इत्थे तक कि कट्टर जिहड़े सनातनी धर्म दे हिंदू, सनातनी धर्म जिहड़े बिल्कुल कट्टर, वो भी साध संगत कीर्तन सुनते सन, वो भी इन्हों बड़ा प्यार करते सन। बड़े इस्लाम धर्म दे इन्हां दा कीर्तन सुनना। सरगोदे पाकिस्तान दे विच 1913-14 दे विच साध संगत भाई साहब जी दा कीर्तन सी। अखीरला दीवान से अखीरले दीवान दे विच साध संगत प्रसंग लगा दिता मुक्तसर साहिब का 40 मुक्तियां का प्रसंग। बई वाह, जदों वो सीन आया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज महा सिंह जी नूं अपने पट्टां ते लेके बैठे ने, आखो सतनाम, अपने हजूरीए दे नाल महा सिंह जी का मुखड़ा गुंजदे पे, आ सीन चलदा सी। दस महा सिंह तेरे तो बहुत प्रसन्न की चाहिए, इस वेले मरण शैया दे, जे तू कवे उमरा दे दिओ तेनू उमरा दे देंगा, आखो सतनाम। तू कवे राज भाग दे दिओ राज भाग दे देंगा। दस मेरे बच्चे तेनू की चाहिए, सच्चा पातशाह जे त्रुठे हो ना बस वो जेड़ा विदावा लिख के दिता सी बस उन्होंने पाड़ दे, आखो सतनाम वाहिगुरू। सत्संग ये सारा दृश्य, ये सारा दृश्य भाई साहब भाई हीरा सिंह जी संगतां नूं कीर्तन राही दिखाते पे, और संगतां दी आँखां तरबक तरबक कर रही, और रागी हीरा सिंह जी दी में तरबक तरबक कर रही। जदों कीर्तन दी समाप्ति हुई, दास चलो प्रसंग ना लवे, अपने विषय वाल रवे। कदे सतगुरु जी दी मौज बनी, सतगुरु जी प्रसंग साझा करवाणगे जी, क्योंकि मौज तो बिना कोई काम नहीं होता। सतगुरु जी दी मौज तो बिना कोई काम नहीं, कोई गल नहीं बनती। जो सतगुरु जी दी मर्जी होंदी है बस उही विषय लगते। बड़ी बारी दास ने सोचा आ विशा लावा आ लावा, नहीं लगता, नहीं लगता पिया विषय। जड़ी मौज उहदी होंदी है सत्संग, जड़ी कल रात 12 बजे तक मैनू पता नहीं सी कि मैं केड़ा विशा लाना है। आखो सतनाम। आज रात लंघी 12 बजे, मैनू नहीं पता मैं की लाना है, केड़ी साखी केड़ा कीर्तन। 12 बजे तक राती ते अज सतगुरु जी सेवा ले रहे। ये तो मौज है, मौज है। मालिक जो बुलाना चाहते ने वो बुलवा लेंदे। जदों समाप्ति हुई नोटां दा ढेर लग गया। संगतां ने जो कुछ जेब च सी कड़ दिता। इन्ना मतलब प्यार जी संगतां आईयां होई। नोटां दे अंबार लग गए, एडे अंबार लग गए, सस इने अंबार। ते भाई हीरा सिंह जी माया लिया करदे सन, गृहस्थी सन। ते अज की कीता, अज खड़े हो गए, अज स्टेज से खड़े हो गए। कहते साध संगत जी अज सारी माया सांभ लो, सारी माया सांभ लो। अज माया नहीं चाहिए, अज तुहाडे कोलों एक बचन चाहिए। जे बाजां वाले नूं प्यार करदे हो, सुनियो ध्यान नाल, जे बाजां वाले नूं प्यार करदे हो, जे अज महा सिंह जी दा प्रसंग सुनिया ते रत्ती मात्र भी जे बाजां वाले दे नाल प्यार जागिया, इदा हाथ जोड़ के कहन लगे, कहते गुरु का अमृत छक लो। आखो सतनाम। अमृतधारी हो जी। इन्ने भावुक होके जदों बोले अमृतधारी हो जी। ते बहुतात संगत, साध संगत, केसा धारी भी बैठी थी ते सहज धारी भी संगत बहुत बैठी सी। सनातनी धर्म दे भी बड़े कट्टर वो भी बैठे हुए सी। ते इदा साध संगत हाथ जोड़ के, जे अज बाजा वाले ते प्यार आया, फिर बाजा वाले दा अमृत छक। देखो फिर बाजा वाले दी किन्नी बख्शिश वरतदी है। कर दिओ समर्पित अपने आप नूं। आ जाओ गुरु दी शरण दे विच। आ जाओ। ओ ऐसे बोल संसार संगत, ऐसे बोल कि शरीर उठने शुरू हो गए। अमृत संचार में जकारे छुटने शुरू हो गए। तो जदों संगत का उत्साह देखा रागी हीरा सिंह जी ने, फिर सहजधारियां नूं संबोधन किया। इदां हाथ जोड़े, कहते मेरे वीरो, मेरे सहजधारी वीरो, कितनी देर होर सहज रखोगे। आखो सतनाम। सहजधारी का मतलब फिर दसिया उन्हें। कहते सहजधारी का मतलब है जिहड़ा सहजे सहजे अपने गुरु वाल यात्रा कर रहा है। यात्रा कर रहा है। एक होंदा है स्पीड च यात्रा करनी, एक होंदा है सहज दे नाल यात्रा करनी। वो कहंदे तुहाडी तां यात्रा ही रुक गई। आखो सतनाम। तुसी सहजधारी हो, तुसी सहज धारण कीता है, हौली हौली चढ़ाई कर रहे हो, वो तुसी रुक गए हो। हुण सहजधारी वीरो हुण सहज छड्डो, हुण बाजां वाले दा अमृत छक के केसाधारी हो जाओ। आखो सतनाम। सत श्री अकाल। और है भी सच, है भी सच। साध संगत जे मन विक गया गुरु नानक दे अगे, ध्यान देना, जे मन विक गया गुरु नानक दे अगे, फिर तन वेचण दे विच ढिल क्यों है? दसो फिर तन वेचण च ढिल क्यों है? मैं भी चरना च अर्ज करन लगा जेड़े साडे सहजधारी वीर जे कहते हो मन करके गुरु नानक दे आ, फिर तन करके भी गुरु नानक दे बन जाओ। आखो सतनाम। फिर तन करके भी गुरु नानक दे बन जाओ। फिर गुरु नानक दियां रहमतां ले। जे मन करके समर्पित हो गए हो, फिर तन करके भी समर्पित हो जाओ। जे मन करके समर्पित हाँ, फिर तन समर्पित नूं देर नहीं लगेगी। रागी हीरा सिंह जी ने इदा हाथ बने ते तकरीबन सहजधारी वीरां नूं संबोधन करदियां क्या कि मेरे वीरो बहुत सहज सहज दे नाल चढ़ाई चढ़ ली, पहुंचण ते ही नहीं आ रहे हो। आखो सतनाम। पहुंचण ते ही नहीं आ रहे। इन्ने वरे ला दिते, हुण सहजधारी वीरो आ बेनती जे। इदा ही रागी हीरा सिंह जी ने कहा सहजधारी वीर जिस बाजा वाले नू मनते हो बाजा वाले दा वास्ता देने आ हुण बाजा वाले दी बख्शिश लैके केसा तारी हो जाओ। आपको सतनाम वाहिगुरु केसा तारी हो। ऐसी बोलनी सी, ऐसी बोलनी। कई सहज तारीख शुरू हो गई जी, खड़े कई सहज तारीख इना मतलब औरा सी जी। भाई साहब भाई हीरा सिंह जी उन्हां विचों एक जिक्र हुण तुहाडे अगे सांझा करन लगा। भाई साहब भाई हीरा सिंह जी दे जीवनी जिहड़ी किताब है उहदे विच इह जिक्र आया है। साध संगत भाई लता राम, भाई लता राम उन्हां सहज धारियां विच भाई लता राम भी खड़ा होया, उहदी सुपत्नी भी खड़ी हो गई। सुपत्नी का नाम आया रामबाई। रामबाई दोनों पुत्र खड़े हो गए। भाई वाह। परिवार दे चार जी, आप भाई लधा राम जी, उन्हां दी घर वाली रामबाई जी, ये दोनों पुत्र खड़े हो गए। अमृत संचार होया, समर्पित हो गए जी, शरणागत आ गए बाजा वाले। अमृत छक के परना सजा लिया, पंजा प्यारियां वालों हिदायत हो गई। हुण केसां दी बेदबी नहीं करनी। हुण केस गुरु दी मोहर ने ते ए वेख लियो गुरु दी मोहर दे विच कोई अमानत च खियानत ना करे। समर्पित हो। साध संगत जदों घर आए ये परिवार हुण घर आया, गातरा पाया होया, छेड़ा पाया, सिर ते कपड़ा बनिया होया। भाई लधा राम जी जदों घर आए वड्डा भरा घारी सी, उदों साध संगत वड्डे भरावां दा पिता वांग सन्मान कीता जांदा सी, पिता वांग सत्कार दिता जाता सी, वड्डे भरा नूं प्यो वांग सत्कारिया जाता सी और बड़ा कहना मनिया जाता सी उस वेले दे विच। अज तां चलो घरां घरां च साध संगत भरावां दा कलेश है, लड़ाई ते झगड़े ने। उदों भरावां नूं भरावां दे नाल बहुत प्यार हुंदा सी, बाहां मनिया जांदियां सन भरावां ते वड्डे भरा दा तां बहुत ज़्यादा सत्कार हुंदा सी, प्यो दे थां ते रखिया जांदा सी। जदों भाई लधा राम जी घर पहुंचे वड्डे भरा नूं पता लगा अग बबूले हो गए। भाई तू धर्म छड़ दिता, तू केस रखण लगा, अमृत छक लिया, अमृतधारी हो गया। इदां साध संगत जदों गल्लां कीतियां बहुत ज्यादा उन्हां दे वड्डे भाई साहब दुखी। इत्थे तक भी कहता बई तू घरों निकल जा, तुहाडा साडा रिश्ता खत्म, कोई हुण साडी सांझ नहीं, साडी तुहाडा चुल्हा चोखा वखरा, साडा वखरा। हुण छोटे भरा नूं साध संगत वैराग आ गया। कहते भाई साहब इदां ना कहो, तू बिना पुछे एक कदम चक लिया, मैनू कबूल नहीं एक कदम तेरा। हुण साध संगत इधरों उन्हों की जी धर्म सुपत्नी सी लधा राम जी की वो समझाने का यत्न कर रही। जब तक वो समझा रही है तो लधा राम तो लधा सिंह बन गए सी। की कीता चट नेत्र बंद किए, हाथ जोड़े, तो सीधा शीस झुका के बेनती धन बाजा वाले दे चरणों दे विच। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये कलगियां वाले आ, तेरा अमृत छकिया, तेरी शरणागत से आया, आया तेरे भरोसे च, तेरी कृपा सदका, तेरी कृपा लैण खातर। इत्थे तां गल ही कुछ होर बन गई। आओ साथ संगत सारे किरत। आओ मैं आया शरणी आया, आओ मैं आया शरणी आया, आओ मैं आया शरणी आया, आओ मैं आया परोसे आया कृपाया परोसे आया कृपाया। ये मानो लधा राम जी दी जिहड़ा हुण लधा सिंह बन गए ने ये उन्हां दी अरदास हो रही होवे। अखां बंद ने लधा सिंह जी दी मिसेज गल कर रही है ते ओ शांत खड़े, ओ शांत खड़े ते परोसे आया कृपा परोसे आया कृपा तो मैं पाया शरणी नैन कटोरे छलकदे पे प्यो का दर्जा देंदे सन जी अपने भरा नूं प्यो का दर्जा। अज प्यो ने मुख मोड़ लिया ते हुण भरा ने जदों मुख मोड़ लिया जिहड़ा प्यो समान नेत्र त्रबक त्रबक ने और अरदास बाजां वाले दे चरना दो मिनट बाद अपने आप नूं संभालिया ते कहन लगे कहते भाई साहब कहते एडा तुहाडा दिल दुखी एडा दिल दुखी ठीक है फिर कोई नहीं जे तुसी कहंदे हो ते असी अरदास मोड़ आने आखो सतनाम। जेडे उत्थे लफ्ज लिखे ने जिक्र अरदास मोड़ आने अरदास कीती सी हुण गुरबाजां वाले दे चरनां कहंदे ठीक है तुसी कहते हो अरदास मोड़ आने ते साध संगत हुण लाज तां रखनी सी ना बाजां वाले ने कोई अंदरों जोदड़ियां करे कोई अंदरों सौदेबाजी ना करे। सौदेबाजी नहीं अंदरों अंदरों मेन साडी तां अज सौदेबाजी होंदी है सौदेबाजी होंदी। मैनूं बख्श लेना है सच जी है सच गल कोरी है पर है सच। इना नेम करांगा आ चीज दे दे इना नेम करांगा आ चीज दे दे नेम कीती और किते दात नहीं दिती फिर देखो किधरे गुरु ते बंदा पैंदा किवें पैंदा आखो सतनाम किवें बागी होंदा। ये कोई प्रेम है साडा प्रेम है जिथे लैण देण दा संबंध है उथे प्रेम नहीं और जिथे देना ही देना है ना उथे प्रेम है आखो सतनाम। जिथे लैण दी इच्छा नहीं जिदे कोल जिथे खाली देण दी इच्छा है बस उथे प्रेम है उथे प्रेम। ते साध संगत अरदास करती चरना दे विच इधर देखिया जदों नहीं बाज आंदे पे भाई साहब ते कह दिंदे ठीक है मैं अरदास मोड़ देना जे तुसी कही दो जदों कन्ना च इन्नी गल पई अरदास मोड़ देना। बुद्धि च गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठ गए आखो सतनाम। बुद्धि च बाजा वाले बैठ गए एकदम बुद्धि चेंज हो गई साध संगत वड्डे भरा दी जदों आ लफ्ज तीर वांग अंदर लगे अरदास मोड़ आएगा ओ नहीं ओए नहीं अरदास कित्थों मोड़ देगा। हुण तू सिक्खी दी अरदास कीती है तू सिक्खी लैके आया सिक्खी वापस कर आएगा मेरे सिर ते पाप चकवाएगा चल हुण जो होना सी हो गया आखो सतनाम वाहिगुरू। हुण जो सत श्री अकाल कहता हुण चल जो होना सी हो गया वरत गया ना बाजा वाले वरत गए। साध संगत पहले समयां दे विच जिहदे घर दो बच्चे हुंदे सन एक बच्चे नूं सरदार बनाया जाता सी सिख बनाया जाता सी पता क्यों कहंदे बहुत वड्डा किरदार हुंदा है सिखां बड़े महान हुंदे ने बड़े उच्चे किरदार दे हुंदे ने। हर बंदा अपने घरों एक बच्चा सरदार बनाता सी बाजा वाले नूं सुपुर्द करता सी बाजा वाले आ तेरी सिक्खी महान है तेरी सिक्खी महान है मैं अपना बच्चा तेरी सिक्खी दे नाल जोड़दा आखो सतनाम सिक्खी। ते पहले हर घर चों एक शरीर ते इन्हां दा हुण वंश तुर पिया। हुण ध्यान नाल सुणियो साथ संगत समा तोरिया इन्हां दे बच्चे दा विआह है। हुण बीबी रामबाई ने फैसला किया कि ये जिहड़ा विआह है पुरातन सिख रहत मर्यादा दे नाल बाजा वाले दी सिक्खी जो ग्रहण की सिख मर्यादा दे नाल ये सारा प्रोग्राम होएगा, आनंद कारज होएगा। हुण ध्यान नाल सुणो, जेड़े बीबी दे भरा सन बच्चे दे मामे वो पक्के सनातनी साथ संगत धर्म दे पक्के कट्टर सनातनी सन। जदों उन्होंने पता लगा कि भैन साडी ने गुरमत दे विच सारे कारज भी आरंभ किए हुए वो घर आ गए, कहते सानू पता लगा कि बी तुसी गुरमत अनुसार विआह कर रहे, लावां लईआं जाणगी, सारे रीति रिवाज गुरमत वाले होणगे। कहते हाँ जी भाई साहब तुसीं ठीक समझे। साथ संगत उन्होंने साफ कह दिता, साफ कहते जे विआह तुसी इस रिवाज दे नाल कीता, कहते साडे विचों मामियां विचों नानकियां विचों कोई भी नहीं बैठेगा। तो सतनाम कोई भी नहीं बैठेगा। बड़ा वड्डा परचा सी जी, सुनियो ध्यान दे, बड़ा वड्डा परचा सी। कोई नानके विचों कोई एक भी शरीर तुहाडी खुशी च शामिल नहीं होएगा। कहते कुफर घोलिया तुसी भाई ठीक है चलो सिक्खी धारण की, पर हुण जिहड़े ये विआह शादियां ने ये तो अपनी रीति रिवाज दे नाल करो। कहने हुण साडे सारे रीति रिवाज बाजां वाले दे रीति रिवाज दे नाल ने, जो बाजां वाले दी समत है वो साडी रीति रिवाज, जो बाजा वाले दी समत है उस समत दे नाल ही असी चलना है। भरा कहन लगे, कहते फिर ठीक है तेरी मर्जी, कोई एक बंदा भी साडे विचों नहीं बैठेगा। ते साथ संगत बीबी दृढ़ता जे खड़ी हो गई ते कहन लगी, कहते जी विआह तां गुरमत अनुसार ही होएगा, तुसी देख लो तुसी विच बहना ये नहीं बहना। आखो सतनाम। तुहाडे तो बिना भी विआह हो सकते ने, विआह हो सकते। सच समझ इन्नी गल कही भरावां दे होश उड़ गए, होश उड़ गए। असमर्पित बिरती है, असमर्पित ते मैनू बख्श लियो। अज दे विआह पुछीदा ना कि तुहाडे विआह च ये शराब क्यों, तुहाडे विआह च ये मास क्यों, आ चीज़ां क्यों। की करिए जी जवाई भाई पींदे ने, की करिए जी साडे कुड़म इदां साडे रिश्तेदारियां, ना करिए रिश्तेदारियां रुस जावे भावें गुरु रुस जावे, रिश्तेदारियां नहीं रुसणियां चाहिदियां। को सतनाम। फिर असीं कहने असीं गुरु दी शरण च, असीं गुरु दी शरण च। ओह काहदे शरण च आ जी? पहले आवाज आया करती सी, मेरा रुसे ना कलगियां वाला जग भावें सारा रुस जाए। जे शरण च आ गए ते जिदी शरण च आ गए बस ओदी शरणागति बन गए सच्चा पातशाह। हुण तेरी मत दे नाल मेरे सारे कारज होणगे। जिथे तेरी मोहर होएगी ओही काम होएगा, जिथे तेरी मोहर नहीं, जिथे तेरी खुशी नहीं वो काम नहीं होएगा। चंगे चंगे साथ संगत जिहड़े धार्मिक ख्यालां दे चंगी सोच रखण वाले कई बार मैं वेखदा गुरमत दे धारनी भी होंदे ने, जदों विआह शादियां आंदियां ने डोल जांदे ने, थड़क जांदे ने जी, थड़क जांदे, पिठ कर लैंदे अपने गुरु वाले पासे। ओए बंदा रुसिया तुहाडा कोई नुकसान नहीं, जे गुरु रुस गया तुहाडे पल्ले कख नहीं रहेगा। आखो सतनाम। तुहाडे पल्ले कख नहीं रहेगा जे गुरु रुस गया। बंदा रुस गया, बंदा पा के देंदा, बंदा कमा के देंदा, बंदा कित्थे तक निभदा है जी। और गुरु ने इथे भी निभना उथे भी निभना साडे नाल। आखो सतनाम सत श्री अकाल। ओदे नाल सांझ पाइए और जेड़ा दोनों जहां च निभे। ते दुनिया दे बंदे तां इत्थे साथ छड़ दिंदे ने। माड़ा जा किसी रिश्तेदारी नूं चंगी तरह ना पुछो, एडा मुंह फुजा के बह जांदा जी मैनूं तां पुछिया नहीं, मैंने तो पूछिया नहीं। इन्नी जी गल पिछे जड़ा नाराज होके बह गया तू ओदे लई बंदिया अपने गुरु तू बेमुख हो गया। बादशाह कहने चलो ऐसी रीत अगला ऐसी रीत आल दे ऐसी रीत जित मैं प्यारा जिस रीत दे करके अपने प्यारे तो पिठ होवे। बादशाह कहते ला दे अग, अग लाए सी रिश्तेदारी नूं, अग लाए सी रीत नूं। मैं नहीं कह रहा, सतगुर कह रहे ने, सतगुर जी है। अग ला दे सी रीत। इन्ने सत्संग दृढ़ता च रहो, इन्ने दृढ़ता च रहो, शरणागत रहो, समर्पित बिरती रहो कि सच्चा पातशाह मेरे ऊपर तुहाडी हुकूमत चलेगी, मेरे ऊपर किसी बंदे दी हुकूमत नहीं चलेगी। मेरे ऊपर तुहाडे फैसले चलणगे, मेरे ऊपर किसी होर दे फैसले नहीं चलणगे। बाजां वाले आ किसी होर दे फैसले, ये है शरणागत। सत श्री अकाल। ये है शरणागत। सगे भरावां नूं रामबाई ने लधा राम जी दी जिहड़ी घर वाली हुण लधा सिंह हो गए ने, रामबाई ने साध संगत कह दिता भरावां तुसीं विच बहना बैठो, नहीं बहना ना, नहीं तो मामिया का होना सत्संगत जरूरी है। आपको सतनाम। नानकिया का विच होना जरूरी है, नहीं आना ना सही, कोई परवाह नहीं मैनू। उन्होंने साध संगत फिर जो पुगिया होया ब्राह्मण सिंह पुगिया उन्होंने भेजिया, नाल मोतबार बंदे भेजे जेड़े बड़े बड़े चौधरी। बीबी नू समझाओ सीधे लफ्जा च कहते दिमाग खराब हो गया इहदा, समझाओ इन्हू। जदों सारे आए वो ब्राह्मण जी आए, मोतबार बंदे जेड़े रुतबे रखण वाले वो आए कि बीबी की करन लगी। पंडित जी ने तो इत्थे तक कह दिता, कहते बीबी जे रीति रिवाज साडे नहीं होए ते बड़े दुख पाएंगी, बड़े कष्ट भोगेंगी तू। आखो सतनाम। डराया डराया। ते मैं सच कहना जी, डरा डरा के ही बंदे नूं ना डरा के अपनी मनवांदे ने। मैनू अज एक क्लिप आई जी, कोई क्लिप आई, एक वीडियो आया सी, मैं वीडियो दिखाई किसी ने। वो ना एक पंडित जी कोल मियाँ बीबी जाते ने, सुनियो, मतलब कबूल किया पंडित जी ने, कबूल। मियाँ बीबी आए तो आदमी कहन लगा, कहता जी मेरा हथ वेखो। पंडित जी ने इदा हथ वेख्या, इदा इदा करके कहते ओहो 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 इदा। वो बेचारे दे त्रेड़ियां पई जान। कहना पंडित जी की होया? कहना बहुत माड़ा है, बहुत माड़ा है। की होया? कहते बस तेरे तो हुण श्वास पूरे होने लगे ने, तेरी तो मौत नेड़े। ओहदे पसीने छुट्टण आदमी दे। हैं मेरी मौत? पंडित जी कोई उपा, कोई उपा। कहते की उपा करिए दसो, इन्हों जनानी बोल पी, जनानियां आउंदियां थोड़ी जिहा हुण बोल पी। कहते पंडित जी जो मर्जी करो, इन्हां लई भावें मैं मरन लई तैयार हाँ, ए ना मरन। कहते हाँ फिर गल बन सकती है बीबी, जे इहदे बदले तू मरन लई तैयार हो जावें या अपनी जिंदगी चो कुछ साल कढ के इहनू दे देवें फिर यह जी सकदा। वो बीबी जी इदा सी नाल ही इदा हो गई। है कहते इदा हो सकता? कहना हाँ बिल्कुल हो सकता। और कह के बीबी फस गई। आदमी कहता आ बड़ी वधिया गल बोली तू। कहता पंडित जी हो जाएगा? कहना बिल्कुल हो जाएगा। ये कुछ साल मैं इधर ट्रांसफर कर देना तो उम्र होर वध जाएगी। बीबी का मूँह एडा हो गया। कहते पंडित जी किन्नी ट्रांसफर करोगे? ये भी दस दो कि सारी ना कर देना, बहुत ही मतलब इशारे जी गल की, पर आदमी बड़ा बीबी तो खुश सी कि चल बीबी मन गई ट्रांसफर करन दे। देखो क्या पखंड रचिया हो। आदमी कहता पंडित जी फिर करो पा, कहना 400 रुपया लगेगा, 400 रुपया दिखाया भी 400 रुपया बड़ी वड्डी रकम सी। कहना 400 रुपया, बीबी कहती 400 रुपया नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। हम बीबी को अंदरों धड़को लगे हुए कि मेरी उम्र जानी है। कहते 400 रुपया बहुत ज्यादा। आदमी कहना जी कोई नहीं दिते 400, दिते 400 तुम फटाफट ट्रांसफर करो इतने। बीबी कहती है नहीं 400 बहुत ज्यादा है जी। वो कहना नहीं नहीं दिते 400, दिते 400 इदा सुनियो गल। कहना जी हो गई गल, 100 रुपया एडवांस लो जी। एडवांस देता। जो गल सारी तय हो गई कहना कोई नहीं ठीक है मैं पूजा अर्चना करांगा ते उहदे विच मैं की करांगा कि इधरों मैं थोड़ी जी उम्र लैके तैनूं दे देंगा ते कम बन जाएगा। चलो गल हो गई जी। हुण दोनों मियाँ बीबी बाहर चले गए। बाहर गए ते दौड़दा ना अंदर आदमी आ गया। आदमी आ गया तो 20 रुपये जेब चो कढ़दा, कढ़ के पंडित जी दे अगे रख के कहते पंडित जी आ 20 रुपये एक्सट्रा तुहानूं दे रहे हैं। कहते क्यों? कहना जी इधर उधर करन नहीं लगे हो थोड़ी वधी कर देना। आखो सतनाम। कहना जी इधर उधर करन लगे हो थोड़ा वध कर देना। कहना कोई नहीं कर देंगे। कहना बहुत धन्यवाद तुहाडा। वो चला गया बाहर। इन्हां नूं बीबी आ गई। बीबी ने साध संगत खीसे चों 50 रुपये कड्ढे। कहते पंडित जी आ 50 रुपये। कहते ये की है? कहता पंडित जी जे इधर उधर करन लगे हो सोच के करियो, थोड़ी जी बस इधर उधर करियो, बहुती ना करियो। कहते एवं मैनू मारोगे तुसी। हुण पंडित जी कहते कोई नहीं जे तू मैनू वध देते मैं थोड़ी जी बस तेरी उम्र चुक के उधर कर दांगा। ये सारी गल ना उहदा पुत्र वेखदा पिया सी। उहदा पुत्र सी पढ़िया लिखिया, इन्हां चीज़ां नूं मंदा नहीं सी। ओह पखंड मंदा। वो सारा कुछ वेख रहा, सारा कुछ वेख रहा तमाशा और हसी जा रही। बीबी ने 50 रुपये दिते। कहते जी हथ बन बेनती है जे इधर उधर करना है ना तो थोड़ी जी करना, ज्यादा ना करना, एवं मैनू मारोगे। कहते कोई नहीं मैं तेरा कहना मान लेना, मैं थोड़ी जी कर दांगा इधर उधर उम्र। ओ चलो जी दोनों मियाँ बीबी चले गए। हुण पुत्र कोल आया। इथों हुण गल समझण वाली है, समझ। कहंदा वाह पिता जी वाह मन गए तुहानू। धर्म दे लिबास च तुसी कैसा लुटदे हो। धर्म पाक धर्म का लिबास पाक कैसा तुसी लुटिया इन्हां नूं भी उम्र इधर उधर करन वाले कोल। कहंदा मैं कोई भी। कहंदा किवें करोगे? कहंदा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जिन्नी उम्र कोई लिखा के आए उन्नी भोगनी है उन्हें। कहंदा फिर ये की तमाशा। कहंदे बेटा जे मैं इन्हां नूं कहंदा ना, जे मैं इन्हां नूं कहंदा कि तुहाडा बड़ा चंगा समा आना है, तुहाडा आ होना है, मैं वधिया गल दसदा ते कहंदे इन्हां ने 500 छड्ड मैनू 50 रुपये भी नहीं देने सन। आखो सतनाम। कहते इन्हां नूं जिहड़ा मैं डराता ना, डराता ये डरे ने ते 500 रुपया 400 रुपया कहंदे एक खीसे चों कढ के मेरे अगे रखदे पए ने। आखो सतनाम। कहंदे ओ भोलिया, अपने पुत्र नूं कहण लगा ओ ब्राह्मण, कहंदे ओ भोलिया जे असीं डराइए ना ना ते साडी दुकानदारी ना छल्ले। आखो सतनाम। डराने आ ते बंदा डर दे मारे कहंदा ले लै जो लैना ले लै, उपा कर उपा। साध संगत ए डरा डरा के सानू साध संगत जी बहकांदे ने, फुसलांदे ने, इदां सानू फसांदे ने। दास अपने गल ते आवे। ओ ब्राह्मण जी कहण लगे कहंदे जे तुसी साडी रीति नाल नहीं चले बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आ होएगा ओ होएगा। लधा राम कहण लगे कहंदे पंडित जी संकोच के बोलो, हुण एक घर वहमा भरमा वाला नहीं, हुण इस घर च बाजां वाले दा पैरा है। आखो सतनाम। सत श्री अकाल। ते कहण लगे लधा राम कहण लगे जेड़ा लधा राम तो लधा सिंह बन गए कहंदे सुनो भूले मार्ग जिने बताया। सारी जिंदगी असी भुले रहे हैं, सारी जिंदगी तुसी लोग डराते रहे हो, डरते रहे हैं। खौफ रहित हो गया हुण मैं जदों दा मैं ये अमृत छकिया बाजां वाले दा। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर भागी पाया। ऐदा गात्रा लेके ऐदा कहता पंडित जी ने जदों दा आ गात्रा पाया है ना सारे भरम भुलेखे मेरे दूर हो गए ने। हुण डरा के काम नहीं करा सकते तुसीं साडे कोल। वो पंडित थोड़ा जिहा ऐदा हो गया, कोई नहीं फिर देख लवांगे ये होएगा। ते हथ बन के वो बीबी ने जिहड़े मोहतबार बंदे आए सन उन्होंने कहा, कहते जी विआह तां गुरमत अनुसार ही होएगा। स्नेहा घल देना जे मेरे भरा मेरा पेका जे विच खड़े होणगे ते मैनूं बहुत खुशी होएगी, बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। ते जे नहीं आणगे ते कारज तां नहीं रुकणगे। आखो सतनाम, कारज तां नहीं रुकणगे। साध संगत विआह जदों होया, विआह होया गुरमत अनुसार ते जिक्र च लिखिया विआह दे सारा पेका परिवार खड़ा सी जी। आखो सतनाम, पेका परिवार भी खड़ा सी। सारे रीति रिवाज गुरमत अनुसार होए ते साध संगत विआह भी बड़ा सोहना निभ गया। लधा सिंह जी अपनी घरवाली नूं कहण लगे, कहंदे भगवान ने सिक्खी जदों दी ग्रहण कीती पहला परचा आया सी। पहला परचा जदों सिक्खी ग्रहण की, सिक्खी ग्रहण तो बाद पहला परचा साडे ते आया। भगवान ने शुक्र करिए बाजा वाले दा, बाजा वाले दी किरपा सदका परचा पास कर लिया। आखो सतनाम, सत श्री अकाल। सिक्खी जदों दी ग्रहण की उस तो बाद पहली वारी परचा पिया साडे ते, बाजा वाले दी कृपा सदका पहले परचे नूं असीं पार कर गए। कहते बीबी, वो लधा सिंह जी कहण लगे, कहते तू धन है, तेरा सिदक धन है, सिदक धन कि जिहड़ा तू एडा तू सिदक अपने बाजा वाले ते रखिया, इन्ना प्यार रखिया। ते पता कोदी घर वाली की कहंदी, कहंदे जी जिहड़ा जिक्र रागी हीरा सिंह जी ने सुनाया सी ओ महा सिंह जी दा कि सतगुर जी मुखड़ा पूंजदे पे ने, प्यार करदे पे, कदे मत्था चुमदे पे। कहंदे बस साईं जी, संगत जे बैठिया बैठिया मेरा भी चित कर आया सच्चे पातशाह, मेरे को ओ काम कराई कि कवेला आवे मेरा भी मत्था तू चूमे। आखो सतनाम, सत श्री अकाल। बाजा वाले आ, तुसी साडे पिता हो, मैं तुहाडी धी हां, मेरे को ओ काम कराई मेरे बाजा वाले आ, ओ काम करवाई, फकर दे नाल मैं तेरे चरना च बह सका ते वकर दे नाल, फकर दे नाल तुसी अपने दोनों हाथ मेरे सिर ते रख सको। आखो सतनाम, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। ए सच्चा पातशाह, सदा अपनी शरणागत च रखी, तेरी कृपा सदका, तेरे भरोसे सदका, तेरी शरण च आए आ गरीब निवाज, हुण आए दी लाज रखी। आखो सतनाम, ए अरदास जिवें वो बीबी ने कहा कि गरीब निवाज तेरे भरोसे करके, तेरी कृपा करके, तेरे चरणा च आए हैं गरीब निवाज, लाज रखी। यही बेनतियां अज सारे सतगुरां दे चरणा च करिए जी, सारे सतगुरां दे चरणा च करिए। कर्मा वाले हो, बाजा वाले दी मेहर बन जावे, सानू भी अपनी शरण च रख लेना। तो सतनाम, तो मैं आया शरणिया, अगर तुहानू ये वीडियो वधिया लगी है तो लाइक करो अते अगे शेयर जरूर करो जी।